अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, शायद आप लोगों को इस बात से तकलीफ हो, लेकिन हकीकत यही है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। अच्छा, ईरान ने इसराइल पर हमला किया है तो इसमें ईरान को तीन बातें पता थी। इन तीनों में से ईरान के पास कोई ना कोई श्योरिटी है। इसके अलावा ईरान कभी भी इसराइल पर हमला ना करता। ये तीनों श्योरिटीज कौन कौन से हैं? पहली श्योरिटी ईरान को ये होगी, तभी वो ईरान हमला करेगा कि इसराइल उसे जवाब नहीं देगा, या जवाबी हमला नहीं करेगा, या जो है ना कोई एटम बम वगैरह से जवाब नहीं देगा। ईरान को जब यकीन होगा तभी ही ईरान इसराइल पर हमला करेगा। अमेरिका इसराइल के लिए मैदान में नहीं आएगा। जब इस बात का भी ईरान को यकीन होगा तभी ईरान जो है ना इसराइल पर हमला करेगा। और तीसरी बात, अगर ईरान ने कोई एटमी ताकत हासिल कर लिया हो तब भी ऐन मुमकिन है कि ईरान जो है ना इसराइल पर हमला कर दे। अब जब ईरान ने उस पर ये चीजें जो ना जो अभी तक जो रिकॉर्ड में आ रहा है कि बहुत बड़ा हमला कर दिया है इसराइल पे, तो ईरान के पास इन तीनों में से कोई ना कोई चीज है। इन तीनों चीजों में से अगर कोई चीज नहीं है तो उस वक्त ईरान कभी भी इस किस्म की वो ना करता है, जो ना इस किस्म का जो ना वो कदम ना उठाता। अब ईरान ने अगर कदम उठाया तो इन तीनों में से ईरान के पास या तो ईरान इस वक्त जोहरी यानी कि एटमी ताकत बन चुका है, या फिर ईरान को इस बात का यकीन है कि अमेरिका इसराइल के लिए मैदान में नहीं आएगा। नंबर तीन, ईरान को इस बात का भी यकीन अगर है कि जो ना इसराइल उस पर जवाबी हमला नहीं करेगा, तभी ये कदम उठा सकता है ईरान। तो अब उठा दिया है, अब साथ में आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये जो मेरी तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें पूरी होती हैं या फिर नहीं, इसके जवाब के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।